नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में एमपी कांग्रेस की हार के बाद बैठकों का दौर जारी। दोपहर 12 बजे से पीसीसी कार्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई शुरू। युवा कांग्रेस के बाद आज महिला कांग्रेस की बैठक, महिला कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक। एमपी महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ले रही प्रदेश स्तरीय बैठक। प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बनाई जा रही एमपी कांग्रेस की रणनीति। बैठक में एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी होंगे शामिल। जो बैठक है ये जिला अध्यक्षों की और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और लोकसभा चुनाव के दौरान किसने कितना काम किया उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही जिले में कहाँ हमें संगठन और अधिक मजबूत करना है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही महिला कांग्रेस आगे किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे महिलाओं से किए, बहनों से किए और उनके वोट हासिल किए, आज तक वो बातें पूरी नहीं की गई हैं। तो हम ये उनकी बातों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि आज भी बहनें महंगाई से परेशान हैं, आज भी महिलाओं को लाडली बहना योजना के पैसे नहीं मिल रहे, 2 लाख महिलाओं के नाम कट चुके हैं। ये जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला है उसे महिला कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत जनता के सामने खुलेगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।